वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप गैस जलाते हो तो यहाँ से अगर रेगुलेटर के पास से आग लगती हो तो आप उसे कैसे ठीक करेंगे। तो आइए इस जान लेते हैं इस वीडियो में। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की लेटेस्ट जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह की प्रॉब्लम जो है गैस कोक में लीकेज के कारण होती है। तो गैस कोक में लीकेज की समस्या को कैसे ठीक करेंगे, तो आइए जान लेते हैं। इसके लिए आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक बड़ा पेचकस और एक छोटा पेचकस और एक सलाई रिंच और एक रिंच, और आपको एक गैस कोक की ज़रूरत पड़ेगी और साथ ही इसमें जो वाशर होता है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो वाशर मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह का वाशर आपको लाना पड़ेगा। तो इस तरह की वाशर जो है आपको खरीदना पड़ेगा। तो ये दोनों चीज़ आपको खरीदनी है जो कि मार्केट में आपको 80 से 90 रुपये के अंदर में मिल जाएगा ये दोनों चीज़। और एक आपको नेपुल की ज़रूरत पड़ेगी जो कि मैं पुराने वाले गैस कोक से ही कोक का ही खोल के आप नेपुल इसमें लगा सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं इसे कैसे इसमें सेट करना है। तो सबसे पहले ये सारा सामान जो है यहाँ से हटा दीजिए। ये सारा सामान जो है यहाँ से हटा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये भी खोल देता हूँ और यहाँ से जो है यहाँ से ये पाइप को भी खोलना है। तो चलिए हम खोल लेते हैं इसे। कुछ इस तरह से हमें रखना है स्टोव को, उसके बाद इस नट को जो है, उसके बाद ये दोनों नट जो है, दोनों तरफ का नट जो है हमें खोल लेना है। इस दोनों तरफ का नट हमें खोलना है। पर भी प्रॉब्लम है, अगर छोटा वाला चूल्हे में प्रॉब्लम है या बड़ा वाला चूल्हे में प्रॉब्लम है तो इसका जो गैस कोक होता है वो सेम ही होता है। बड़ा जो प्रॉब्लम है ये इस चूल्हे में है तो हम इसे खोलेंगे। तो चलिए हम इसे खोल लेते हैं। तो इसे हमें सबसे पहले खोल लेना है, जिससे इसे हम स्लाइडिंग से खोलेंगे। तो चलिए हम इसे खोल लेते हैं। तो हम इसे जो है स्लाइडिंग की मदद से खोल लेते हैं। तो इसे हम निकाल देंगे, उसके बाद अब हमें इसे खोलना है। तो इसे खोलने के लिए भी हम स्लाइड रिंच का इस्तेमाल करेंगे। तो ये भी जो है हमारा खुल चुका है। तो चलिए हम इसे खोल लिए, अब हमें ये पाइप खोलना है। अब जो है दूर से हमें ये वाला पाइप खोलना है। पाइप खोलने के लिए आपको जो है इस वाले पेचकस की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए हम इसे खोल लेते हैं। सबसे पहले जो है हमें ये दोनों नट को खोलना है। तो हम इस दोनों नट को खोल लेते हैं। अब जो है हमें इसे यहाँ से हटा लेना है, उसके बाद अब हमें इस साइड का खोलना है। तो चलिए हम इस साइड का खोल लेते हैं। तो इसे भी हमें जो है साइड कर लेना है। उसके बाद ये जो हमारा जो है वो खुल जाएगा। तो इसे इस तरह से निकाल लेना है। तो हमारा इस वाले में प्रॉब्लम था तो हम इस वाले को खोलेंगे। तो खोलेंगे कैसे, इस खोलने के लिए आपको स्लाइड रिंच का इस्तेमाल करना पड़ेगा इसमें। तो चलिए हम इसे खोल लेते हैं। तो इसे खोलेंगे कैसे, तो ये स्लाइड रिंच को कुछ इस तरह से जो है खड़ा कर देना है। उसके बाद इस तरह से देखिए, इस तरह से हमें स्लाइड रिंच को
लगाना है, देख सकते हैं इस तरह से आपको स्लाइड इंच को लगाना है। उसके बाद जो है, उसके बाद इसे ऊपर की ओर घुमाना है। तो चलिए हम इसे ऊपर की ओर घुमा देते हैं। तो इस तरह से जो है, अगर टाइट हो तो थोड़ा सा प्रेशर दे के इसे खोल लीजिए। तो इस तरह से जो है हमारा ये खुल चुका है। अब जो है मैं इससे जो है इस नेपुल को मैं पहले निकाल लेता हूँ। तो इस नेपुल को निकालने के लिए हम इस रिंच का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए हम इससे खोल लेते हैं। तो ये नेपुल जो है हमारा खुल चुका है। अब जो है हमें नया वाला लगाना है। तो नया वाला हमारा जो था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो है हमारा नया है, ये हमारा नया है। तो सबसे पहले हम इसमें नेपुल लगा देते हैं। नेपुल लगाने से क्या होगी दोस्तों कि बाद में आपको परेशानी ना हो, ना परेशानी ना हो, ज़्यादा इसे टाइट ना करें, ना तो टूटने का डर रहता है। अगर टूट जाता है तो दोस्तों ये फिर से नया जो है बदलना पड़ जाएगा, ये खुलने का चांस नहीं है, इसीलिए इसे ज़्यादा टाइट ना करें। अब इसे जो है इसमें लगा देने के बाद जो है दोस्तों, अब आपको वाशर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये वाशर जो है, ये वाशर आपको ख़रीदना पड़ेगा बाजार मार्केट में। तो इस वाशर को जो है हमें इसमें लगा लेना है। दो या तीन वाशर को लगा लीजिए। उसके बाद जो है हमें इसमें अब कस देना है। तो सबसे पहले हम ऐसे इसे पहले कस देते हैं। कुछ इस तरह से पहले कस दीजिए। अब जो है हमें स्लाइड इंच की मदद से जो है इसे कस कस देना है। तो स्लाइड इंच की मदद से हम इसे टाइट कर देते हैं। तो इस तरह से स्लाइड इंच को हमें लगाना है। इसे दोस्तों टाइट से कस दीजिए कि बाद में यहाँ से लीकेज की प्रॉब्लम समस्या ना आए। तो हम इसे टाइट से पहले इसे लगा लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से जो है हमें देख सकते हैं, तो बराबर जो है हमने इसे टाइट कर लिया है। अब जो है हमें इसी तरह से अब उसमें गैस स्टोव में लगा लेना है। उसके बाद दोस्तों इस प्लेट को जो है पहले यहाँ पे रख लीजिए। दोनों तरफ पहले नट को लगा लीजिए। इसी तरह उधर भी आपको नट को लगा लेना है। इसी तरह ऐसे अब जो है इस बड़े वाला पेचकस से जो है हमें इस दोनों को इधर भी और उधर दोनों तरफ जो है हमें टाइट कर देना है। तो चलिए हम इसे टाइट कर देते हैं। तो देख सकते हैं हमारा ये जो है बैठ चुका है। तो अब चलिए हम सारा जो है इसमें सारा पार्ट्स को इसमें लगा देते हैं। सबसे पहले जो है इसको हमें लगाना है यहाँ से, इस तरह से, इस तरह से लगा लेना है। और जो है इस तरफ भी इस तरह से लगा लेना है। तो इस नट को हम कस देते हैं।
में इस तरफ भी जो है बिल्कुल सेम प्रोसेस में लगाना है। इसे भी टाइट कर दीजिए स्लाइड इंच की मदद से। तो हमने इसे टाइट कर दिया है, अब चलिए हम बैक आते हैं। इसे अब सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद यहाँ पे जो है सबसे पहले जरूरी चीज, सबसे पहले इस नोब को जो है इसमें लगा लीजिए। तो नोब को मैं यहाँ पे अटैच कर देता हूँ। तो नोब को हमने लगा लिया है, अब जो हम प्लेट को लगा देते हैं। एक कट टेप, अब जो है आपको पाइप को लगा लेना है। तो चलिए हम पाइप को भी लगा देते हैं। दोस्तों हमारे पास ये प्लास्टिक का पाइप है, लेकिन प्लास्टिक का पाइप यूज ना करें। जो ओरिजिनल पाइप आता है सिलेंडर के साथ, वो पाइप का ही इस्तेमाल करें। तो यहाँ जो हमने इसे टाइट कर दिया है, अब हम इसे जला के देख लेते हैं ये किस तरह से जलता है। तो चलिए सबसे पहले हम रेगुलेटर जो वहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम सिलेंडर में वहां से हम ऑन कर देते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे हम जला के देख लेते हैं हमारा चूल्हा जो है वो ठीक तरीके से काम कर रहा है या नहीं। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा दोनों चूल्हा जो है ठीक तरीके से काम कर रहा है। और मैं यहाँ पर भी आपको चेक करके दिखा देता हूँ, इस जगह से प्रॉब्लम जो आ रही थी इसे हम यहाँ से टेस्ट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मैं ऐसे लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।